फ्रेंड्स, आज का मेरा जो ये टॉपिक है ये समकालीन कलाकारों पे है। समकालीन कलाकार से संबंधित इस वीडियो में मैं फिर से आज आपको 50 क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। ये सारे क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए, जो भी अब एग्ज़ाम्स आएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है हमारा, रघुपति भट्ट किस विधा के लिए प्रसिद्ध हैं। एक चीज़ और बता दें कि मैंने अभी किसी भी अपने मतलब ये 50 क्वेश्चन में कहीं पे भी निशान नहीं लगा रखा है। आप लोग चाहे तो मेरे साथ अपना अपने आप को मतलब देख सकते हैं, आप भी अपना निशान लगा सकते हैं कि आपका कौन सा आंसर सही है। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, जो ये रघुपति भट्ट हैं किस विधा के लिए प्रसिद्ध है, फोटोग्राफी, चित्रकला, इंस्टॉलेशन या गंजीफा। ठीक है, तो ये जो रघुपति भट्ट हैं ये हैं हमारे गंजीफा आर्टिस्ट। ठीक है, गंजीफा क्या होता है, ये एक मतलब कार्ड गेम होता है, कार्ड गेम या टाइप ऑफ प्लेइंग कार्ड्स जैसे होते हैं उस टाइप का होता है, और इसमें मतलब मिनिएचर स्टाइल से छोटे छोटे उसमें काम होता है। और जो ये रघुपति भट्ट थे कर्नाटक के, अगर ये भी आता है कैसे कहाँ के थे, तो कर्नाटक के थे, और ये मतलब कर्नाटक में इनका जन्म हुआ, तो कर्नाटक में बहुत से मंदिर हैं, वहाँ की जो ट्रेडिशनल स्टाइल है उन सबका इन पे बहुत प्रभाव पड़ा। और फिर उसके बाद जैसे इनके मेन टॉपिक इपिक होते थे मैथोलॉजी से रिलेटेड, रामायण के इन्होंने बहुत सारे मतलब चित्र वैसे बनाए हैं, और ये इस तरीके का काम करते थे गंजीफा आर्ट में। ठीक है, सेकेंड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, कलाकार निखिल चोपड़ा स्थान से संबंधित हैं। ठीक है, निखिल चोपड़ा जितने भी समकालीन कलाकार हैं तो उनके मतलब क्या मीडियम है उनका, और वो किस चीज़ किस विधा में प्रसिद्ध हैं, किस टाइप का काम कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्योंकि अब जितने भी एग्ज़ाम आते हैं, क्योंकि अब पेपर का जो पैटर्न है समकालीन कलाकार से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन आने लगे हैं। ठीक है, तो निखिल चोपड़ा जो है ये हमारे कहाँ से हैं, कोलकाता से हैं संबंधित। ठीक है, और ये कैसा काम करते हैं, इनके लिए कहा जाता है जैसे मतलब पेंटिंग में काम है, पेंटिंग तो है ही इनका, फोटोग्राफी, स्कल्पचर, और ये मतलब एक लार्ज स्केल पेंटिंग में काम करते हैं। और इनका क्या होता है, लाइव परफॉर्मेंस, आजकल बहुत से आर्टिस्ट लाइव परफॉर्मेंस के साथ काम कर रहे हैं, जैसे कि खुद को भी किसी रूप में प्रेजेंट करना, फिर उसके साथ अपने अपने किसी वर्क को उसके साथ प्रेजेंट करना, ये सारी चीज़ें जो हैं ये लाइव परफॉर्मेंस में आ जाती हैं, और इस पर बहुत से आर्टिस्ट काम कर रहे हैं। इनके बहुत से फेमस लाइव परफॉर्मेंस हैं, उसमें लैंड वाटर और स्काइज, ये 2019 का है, ये भी बहुत फेमस रहा है। ठीक है, ठीक है, तो राइट आंसर है यहाँ पे कोलकाता। ठीक, और इनका जो फेमस है वो मैं दिखाती हूँ जरा आपको, ये देखिए, ये अभी बताया ना मैंने लाइव परफॉर्मेंस लैंड वाटर एंड स्काइज 2019 का, तो इस टाइप का मतलब काम करते हैं, और बेसिकली तो बिलोंग कोलकाता से करते हैं, बट काम कहाँ करते हैं ये, गोवा में रह के। ठीक है, अगर इस टाइप से भी पूछता है तो ध्यान रखिएगा, और इनके लाइव परफॉर्मेंस से रिलेटेड बहुत सारे काम हैं। अब मेरे पास इतना, मैं अगर ज़्यादा डिटेल में बताऊंगी तो आपको वीडियो पूरा नहीं हो पाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लाइंग बस इंस्टॉलेशन किस कलाकार का है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, फ्लाइंग बस इंस्टॉलेशन है ये किस कलाकार का है, सुबोध गुप्ता, विवान सुंदरम, सुदर्शन सेट्टी या भारती खेर। ठीक है, तो राइट आंसर है यहाँ पे हमारा सुदर्शन सेट्टी, फ्लाइंग बस, ये देखिए ये लिखा है इंस्टॉलेशन फ्लाइंग बस। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, राघव कनेरिया किस ग्रुप से संबंधित है। ठीक है, चलिए इसके लिए थोड़ी दो तीन लाइनें बता देते हैं, अभी आप लोग अगर नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। इसका ये है 2012 में बना। ठीक है, अगर पूछता है कि कब बना, तो फ्लाइंग बस इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहले आया हुआ है अलग अलग एग्जाम में एक दो बार, तो फ्लाइंग बस 2012 में बना था। ठीक है, और कहाँ पे है ये, मुंबई में है। ठीक है, मुंबई में है ये, वो बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स है वहां पे है ये इस समय, और जो पहले वो बस चलती थी डबल डेकर 1970 के एरा में,
तो उसी के बेस पे इन्होंने ये बनाया है, उसी की प्रतिकृति है। और इसके दोनों साइड आप देख सकते हो, इसमें दोनों इस साइड भी और दूसरी साइड भी, दोनों साइड इन्होंने इसके स्टेनलेस स्टील के पंख जैसे लगाए हैं, जैसे फील हो रहा है ना, जैसे कि बस एकदम उड़ने को तैयार है। तो इस टाइप का इनका ये इंस्टॉलेशन है। इंस्टॉलेशन मेरा दिखाने का मतलब बस ये होता है आप लोगों को, ताकि आप अगर पढ़ो और आपको अगर कहीं फ्लाइंग बस दिख जाता है तो एग्जैक्ट तुरंत क्लिक हो जाता है। अगर किसी ने नहीं देखा है तो उसको याद आ जाता है कि हाँ ये सुदर्शन सेट्टी का है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखिएगा। 2012 में बना था, और किसने बनाया था? सुदर्शन सेट्टी ने। नेक्स्ट है, राघव कनेरिया किस ग्रुप से संबंधित हैं? ठीक है, राघव कनेरिया हमारे किस ग्रुप से संबंधित है? तो राघव कनेरिया है हमारे ग्रुप 1890 से। और 1890 ग्रुप तो इस क्या था ये, जो इसमें बहुत सारे कलाकार थे जुड़े हुए थे इसमें, जैसे रेडप्पा नायडू भी थे, अंबादास थे, जगदीश स्वामीनाथन ने तो इसकी स्थापना ही करी थी, हिम्मत शाह, जयराम पटेल। तो कई बार इन आर्टिस्ट के बारे में पूछ लेते हैं। टोटल 12 आर्टिस्ट इससे जुड़े थे स्टार्टिंग में। ठीक है, और नई दिल्ली में इसकी स्थापना हुई थी इस ग्रुप की, ये सारी चीजें हैं। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है हमारा, त्रिफलक पेंटिंग जिसका शीर्षक वेयर ऑल द फ्लावर्स गॉन किस कलाकार की है? ठीक है, ए रामचंद्रन, भूपेन खक्कर, अर्पणा कौर और एम एफ हुसैन। ठीक है, तो राइट आंसर है यहाँ पे हमारा अर्पणा कौर। ठीक है, अर्पणा कौर ने बनाई थी इस पेंटिंग को। और ये क्या था कि ये जब वो विश्व युद्ध की जो घटना थी हिरोशिमा की, वहाँ पे जब बम गिरा दिया गया था, उसकी जो 50वीं वर्षगांठ हुई थी उस पे इन्होंने, इनको वहाँ पे हिरोशिमा सिटी म्यूजियम है वहाँ पे इनको विशेष मतलब बुलाया गया था वहाँ पे इस म्यूरल को बनाने के लिए। तब उन्होंने इस विषय पे वहाँ पे चित्रण किया था। ठीक है, ये देखिए ये है बनाया हुआ वहाँ पे उन्होंने। तो ये कब बनाया था इन्होंने? जब उसकी हिरोशिमा की 50वीं वर्षगांठ हुई थी उस पे बनाया हुआ था। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो ये वेयर ऑल द फ्लावर्स गॉन किसकी है? अर्पणा कौर की। नेक्स्ट है, चीनी कम फिल्म का निर्देशन विज्ञापन क्षेत्र की किस हस्ती ने किया था? ये भी क्वेश्चन पहले आया हुआ है। सॉरी, प्रहलाद कक्कड़, अलिक पद्मसी, ऋतुपर्णा घोष और आर बाला कृष्णन। ठीक, तो राइट आंसर है यहाँ पे हमारा आर बाला कृष्णा। आर बाला कृष्णा को का मतलब, जैसे आर बाल्की नाम से भी जाना जाता है इनको, आर बाल्की कहते हैं। ठीक है, और 2007 में आई थी, सॉरी 2007 में जो हुआ था ये। ठीक है, तो आर बाला कृष्णन हो गया यहाँ पे राइट आंसर। और ये अगर मूवी के लिए है तो मूवी 2007 में आई थी। ठीक है, रोमांटिक एक कॉमेडी हुई थी उनकी, तब्बू और उसकी, आप देखी होगी बहुत लोगों ने, अमिताभ बच्चन की। तो जो आर बालकृष्णा है ये क्या है, एज अ फिल्म मेकर भी हैं, स्क्रीन राइटर भी हैं, और विज्ञापन कंपनी जो लो लिंटास है उसके ये पहले चेयरमैन भी रह चुके हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये सारी, कई बार इससे क्वेश्चन आता है। और इन्होंने चीनी कम 2007 में, इसके अलावा भी पाव मूवी जो 2009 में आई थी, 2018 में पैडमैन। ठीक है, ये सारी मूवी इन्हीं की है, इन्हीं ने डायरेक्ट की थी। और दाग अच्छे हैं जो बहुत फेमस लाइन है, पंच लाइन है, टाटा टी जागते रहो, ये सारे मतलब इसी की स्क्रिप्ट इन्हीं ने लिखी थी ये सारी चीजें। तो आर बालकृष्णन इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। नेक्स्ट है, 7 नंबर का क्वेश्चन, वर्ड्स एंड लाइन नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ठीक है, तो वर्ड्स एंड लाइन नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी हमारी एफ एन सूजा ने 1959 में। और ये क्या है, ये मतलब एक लाइन लाइन ड्राइंग है प्रोस के साथ, मतलब प्रोस होता है ना वो, प्रोस पोट्री, एक मतलब रिटर्न लाइनिंग के साथ इसमें उसके बीच बीच में लाइन ड्राइंग है। तो ये एफ एन सूजा की है। नेक्स्ट है, रामचंद्र शुक्ल किस शैली के चित्रकार हैं? ठीक है, रामचंद्र शुक्ल किस शैली के चित्रकार हैं? आकृति मूलक, समीक्षावादी, घनवादी या अमूर्त। तो राइट आंसर है यहाँ पे रामचंद्र शुक्ल हैं हमारे समीक्षावादी।
ठीक, रामचंद्र शुक्ल के लिए भी दो तीन चीज़ें इम्पोर्टेंट है कि इन्होंने कई शैलियाँ मतलब खुद से विकसित करी थी, जैसे इनकी एक काशी शैली थी। काशी शैली क्या थी, इनमें इसमें इन्होंने मतलब जो बनारस के जो फोक मोटिव्स होते हैं, फोक आर्ट होती है, उससे रिलेटेड होके इन्होंने काम किया था, स्पेशली मिनेचर और फोक आर्ट पे। ठीक है, तो वो इनकी शैली कहलाई काशी शैली। फिर समीक्षावादी शैली में भी इन्होंने काम किया, तो समीक्षावादी की शुरुआत इन्हीं ने करी 1974 में। ठीक है, इस शैली के मतलब ये एक प्रतीकात्मक शैली थी। इस पे क्या होता था समीक्षावादी मतलब समीक्षावादी शैली में कि जो समाज में फैला हुआ जो करप्शन सोसाइटी और पॉलिटिक्स में होता था, मतलब पॉलिटिक्स में जो करप्शन और सोसाइटी का हमारी सोसाइटी में जो करप्शन, उन सब चीज़ों को ये प्रतीकों के मतलब सिंबल के माध्यम से दिखाते थे। जैसे कि चेयर पे उल्लू को बैठा दिया, नेता को बैठा दिया, इस टाइप से अलग अलग सिंबल्स का यूज करके इस शैली में काम करते थे कलाकार। ठीक, और फिर एक और शैली थी इंस्टीट्यूट है, इस शैली में इन्होंने 2005 में काम किया। ठीक, और इसमें क्या किया इन्होंने, स्पेशली इन्होंने कलर्ड मार्कर का यूज करके काम किया। ठीक है, स्केच पेन और कलर, तो ये लास्ट में इन्होंने इस शैली को अपनाया था। अगर ऐसे भी पूछता है कि जीवन के अंतिम मतलब लास्ट उसमें इन्होंने कैसे काम किया, तो 2005 से इन्होंने कैसा काम किया, कलर्ड मार्कर का यूज करके और स्केच पेन का। ठीक है, ये थोड़े मतलब मिनेचर स्टाइल के छोटे चित्र होते थे, स्मॉल चित्र पेंटिंग होती थी, उसको बनाते थे। ठीक है, तो इनकी तीन शैलियां हो गई, एक काशी शैली, एक समीक्षावादी शैली, एक इंट्यूटिव। ठीक है, ये तीनों शैली इन्हीं की है। और रामचंद्र शुक्ल फेमस रहे, इन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से वहाँ के हेड रहे और वहीं से 1985 में ये रिटायर भी हुए हैं। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल ने बहुत सारी बुक्स भी लिखी हैं, तो ये एक एज अ राइटर भी फेमस थे। नेक्स्ट है, पटना में ट्रायंगल आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना किसने की थी। ठीक, तो पटना में ट्रायंगल ग्रुप की आर्ट की स्थापना किसने की थी, ये थी हमारी वीरेश्वर भट्टाचार्य ने। ठीक है, तीन लोगों ने मतलब मिलके एक साथ करी थी, जिसमें वीरेश्वर भट्टाचार्य, श्याम शर्मा, रंजीत कुमार सिन्हा और वीरेश्वर भट्टाचार्य, तीनों का नाम आता है। ठीक, ट्रायंगल ग्रुप की स्थापना करी 1971 में, ये भी इम्पोर्टेंट है 1971 में, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट ग्रुप है जैसे कि पैग ग्रुप है, कैलकाटा ग्रुप है, दिल्ली सेल्फी चक्र है, तो इससे तो क्वेश्चन आते हैं। बट अब क्या है, जो टकमड़ है और ट्रायंगल आर्टिस्ट ग्रुप है, ये जो और भी छोटे छोटे ग्रुप बनते रहे हैं, इन पे भी क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, तो ये ध्यान से पढ़िएगा, पटना में ट्रायंगल आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना करी थी वीरेश्वर भट्टाचार्य ने, कब की थी, 1971 में। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति भवन, संसद भवन तथा उत्तर प्रदेश के विधान भवन चित्रांकन इस कलाकार ने किया है। ठीक, तो ये विनोद बिहारी मुखर्जी, भावेश सान्याल, जगन्नाथ मुरलीधर रहिवासी और फोर्थ है के जी सुब्रमण्यम। तो राइट आंसर है यहाँ पे हमारा जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी। ठीक है, ये ब्रज मंडल से बिलोंग मतलब ब्रज से थे, गोकुल में इनका जन्म हुआ था। ठीक, और इन्होंने मतलब बुक भी लिखी है, जिसमें इनकी एक रेखांजलि रेखांजलि बुक है। और उसके बाद इसमें क्या किया था इन्होंने, बच्चों के जो खेल विषय होते हैं उस पर समकालीन मतलब जो अपनी शैली थी, अपनी आर्ट स्टाइल, उस पर इन्होंने बहुत इंक ड्राइंग बनाई और उसका कलेक्शन करके जो बुक बनाई थी, उसी चूहा बिल्ली नाम से एक सीरीज है, वो फेमस है। तो ये सारी चीज़ें इनकी फेमस रही है। नेक्स्ट है, वृश्चिक पत्रिका के संपादक कौन है, गुलाम मोहम्मद शेख, जी आर संतोष, के जी सुब्रमण्यम या विवान सुंदरम। ठीक, तो वृश्चिक पत्रिका के संपादक हैं हमारे गुलाम मोहम्मद शेख। ठीक है, तो राइट आंसर है यहाँ पे हमारा गुलाम मोहम्मद शेख। ठीक, गुलाम मोहम्मद शेख ने वृश्चिक पत्रिका का संपादन किया था, और इनके साथ कौन थे, भूपेन खक्कर, अगर कई बार उनका नाम भी आता है इनके साथ, तो दोनों ने ही की थी, कब की थी, 1969 में। ठीक, 1969 में वृश्चिक पत्रिका का संपादन किया था, और इनके लिए ये भी है कि ग्रुप 1890 की स्थापना भी की थी इन्होंने। सॉरी सॉरी 1890 नहीं, बड़ौदा ग्रुप, बड़ौदा ग्रुप से जुड़े थे गुलाम मोहम्मद शेख। ठीक है, बड़ौदा ग्रुप की स्थापना हुई थी हमारी 1957 में। ठीक है, सारे ग्रुप इंपॉर्टेंट हैं इसके। नेक्स्ट है हमारा, उस मूर्तिकार का नाम क्या है जिसने 1948 ग्रीस में ओलंपिक में
मैं है, यहाँ पे मैं नहीं है, मैं अपने कार्य हेतु सिल्वर मेडल प्राप्त किया था। विमन दास, अजीत चक्रवर्ती, सवरी राय चौधरी या चिंतामणि कर। ठीक है, तो ये है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये भी पहले आया हुआ है, तो इसका राइट आंसर है हमारे चिंतामणि कर। ठीक है, 1948 का जो ओलंपिक हुआ था, समर ओलंपिक, उस पर इन्होंने काम किया था, और वो जो उनका वर्क था उसका नाम टाइटल था द स्टैग। ठीक है, इसके लिए इनको मिला था वहाँ पे सिल्वर मेडल। नेक्स्ट है, स्वीपर किस कलाकार की कृति है। ठीक, स्वीपर किस कलाकार की कृति है, तो ये है हमारी के हैबर, कंटीगिरी कृष्ण हैबर। ठीक है, तो राइट आंसर है यहाँ पे हमारा के हैबर। के हैबर, इनका कई बार पूरा नाम भी पूछ लेता है, तो इनका क्या नाम है, कंटीगिरी कृष्ण हैबर, और कर्नाटक से बिलोंग करते थे। ठीक, 1961 में पद्मश्री मिला था। पद्मश्री तो आप लोग को सारे आर्टिस्ट का याद करना पड़ेगा, किस आर्टिस्ट को किस ईयर में मिला है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पद्मश्री से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, पद्मश्री या पद्म भूषण, पद्म विभूषण, जो भी जिस कलाकार को मिला है जिस सन में, वो ज़रूर याद करना है आपको। और इनका क्या था टॉपिक, स्पेशली ये ग्रामीण दृश्य जैसे होते थे ना, लोकल विषय जो होते थे, जैसे फार्मर का है, या फ्रूट सेलर है, फल बेचने वाले हैं, और मजदूर लोग हैं, इस टाइप के सब्जेक्ट उठा के काम करते थे। तो एक चीज़ ये है इनके लिए, जब इस टाइप के अगर हमें कहीं टॉपिक दिखते हैं और अगर हमें थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है, तो कई बार हम लोग अपना, अगर हमें ये पता होता है कि हाँ ये काम किस पे करते हैं, स्पेशली जैसे इनके साधारण विषय होते हैं नॉर्मल, तो उस टाइप से है विषय। तो स्वीपर क्या है एक, तो उस हिसाब से क्या, अगर हम ऐसे देखते हैं कि हाँ स्वीपर, तो अगर नहीं भी हमें याद आ रहा है, कई बार हम क्वेश्चन को दूसरी तरह भी सोचते हैं कि हाँ हमने कैसे पढ़ा था, कि क्या क्या विषय थे, तो इस टाइप से भी ये याद रहता है। तो क्या है राइट आंसर है यहाँ पे हमारा, के हैबर, 1960 में बनाया था ये ऑयल पेंटिंग। ठीक, ये देखिए, ठीक, एक बार दिखाते भी चलते हैं। फिर नेक्स्ट है, जगमोहन चोपड़ा ग्राफिक की किस तकनीकी के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक, वुड इंटिग्लियो, लिनो कट, कोलोग्राफी प्रिंट या ओरिगेमी प्रिंट। तो यहाँ पे राइट आंसर है हमारा कोलोग्राफी प्रिंट, कोलोग्राफी के लिए फेमस हैं, और 2013 में इनकी डेथ हुई थी। ठीक, इनका मतलब ये एज अ प्रिंट मेकर, पेंटर, फोटोग्राफर भी, ये सारी विधाओं में इन्होंने काम किया। इनको 1988 में एक और फेमस अवार्ड मिला था, कला रत्न। ठीक, चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो जो आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि इन सब चीज़ों से क्वेश्चन बने हुए हैं। ठीक, आईफैक्स से जुड़े रहे, जो दिल्ली में आईफैक्स है, ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट, उससे उसके प्रेसिडेंट रहे, ग्रुप 8 से जुड़े, दिल्ली शिल्पी चक्र से भी जुड़े, तो इनकी अलग अलग मतलब ग्रुप से जुड़े रहे हैं ये। और इनके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है कि इन्होंने मतलब इनको चित्रकारी का, कलाकारी का तो शौक था ही, प्रिंट मेकर और ये सब थे, इसके अलावा इनको क्या था, होम्योपैथी और पामिस्ट्री, पामिस्ट्री तो जानते होंगे आप लोग, जो हस्तरेखा होती है, इन सब सब्जेक्ट का भी एक अच्छा नॉलेज था। मतलब अगर इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं ये सब आप लोग के लिए, जैसे जगमोहन चोपड़ा हैं, तो क्या है इनके लिए, इनको पाम हिस्ट्री मीन्स जो हस्तरेखा है वो, और एक होम्योपैथी, जो होम्योपैथिक मेड वो होती है, उस सब्जेक्ट में भी इनको बहुत ज़्यादा रुचि थी। ठीक, तो ये सारी चीज़ें इनकी एक्स्ट्रा हो गई इंपॉर्टेंट में। और कोलोग्राफ क्या होता है, कोलोग्राफी प्रिंट भी एक बार समझ लेते हैं, इसमें क्या होता है, अलग अलग मटेरियल का मतलब यूज़ करते हैं प्रिंट में एज अ कोलाज, जैसे कोलाज होता है ना, अलग अलग कुछ मतलब चीज़ों को चिपका के ऊपर से उस तरीके से ये प्रिंट निकालते थे, तो वो क्या होता है, कोलोग्राफी। ठीक, तो इसके लिए फेमस कौन थे, मतलब इन्होंने काम तो सब में किया, बट इनकी जो फेमस टेक्निक थी वो क्या थी, कोलोग्राफी प्रिंट। नेक्स्ट है, ब्रोकन ब्रांचेस इंस्टॉलेशन किस कलाकार की रचना है। ब्रोकन ब्रांचेस, ठीक, तो ब्रोकन ब्रांचेस, विवान सुंदरम, सुबोध गुप्ता, अतुल डोडिया या भारती खेर, ये चारों इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पे आपके लिए इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट में। लेकिन यहाँ पे अभी ब्रोकन ब्रांचेस की बात हो रही है, तो ब्रोकन ब्रांचेस है हमारा अतुल डोडिया, राइट आंसर है यहाँ पे हमारा अतुल डोडिया। ठीक, और इसमें इन्होंने क्या किया था, पहले मैं आपको पिक्चर दिखा देती हूँ तो फिर आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा।
है, ये देखिए ये पिक्चर से आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। ये टॉप मतलब ये था ब्रोकन ब्रांचेस, इसका टॉपिक नेम। ठीक, न्यूयॉर्क में इन्होंने एक सोलो शो किया था ये इंस्टॉलेशन का। इसमें क्या है, इन्होंने अलग अलग कैबिनेट बनाई हुई थी। ठीक, नाइन कैबिनेट थी अलग अलग, और सब में मतलब ग्लास की कैबिनेट है ये, और सब में क्या है, एक वुडन कैबिनेट है उसके ऊपर ये जो पीछे लगा हुआ है ग्लास, उसके अंदर इन्होंने अलग अलग ह्यूमन बोन्स, टूल्स और कपड़े, हड्डियों के मतलब मानव जो बोन्स होती हैं उसको अलग अलग, जैसे नहीं कृत्रिम अंग होते हैं जो बोलते हैं, वो सारी चीज़ें इन्होंने इस पर सजाई हुई थी। तो ये इनका इंस्टॉलेशन था एक फेमस, और ये कहाँ पर था, न्यूयॉर्क सोलो सो में। नाम क्या था इसका, ब्रोकन ब्रांचेस। ठीक है, तो याद रहेगा आपको ब्रोकन ब्रांचेस के लिए क्या है हमारा, अतुल डोडिया। क्योंकि इंस्टॉलेशन ऐसी चीज़ है कि कई बार इतने ज़्यादा इंस्टॉलेशन है इस समय समकालीन कलाकारों के, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंस्टॉलेशन में काम भी हो रहा है। विवान सुंदरम, भारती खेर, सब लोग ही इस पे काम कर रहे हैं। तो हमें जो भी हम आप लोग अलग से भी पढ़िए तो आप एक बार उस पिक्चर को ज़रूर देख लिया करिए, ताकि आपको याद रहे वो चीज़। नेक्स्ट है खजाना म्यूजियम कहाँ पर स्थित है। ठीक, खजाना म्यूजियम कहाँ पे स्थित है, तो खजाना म्यूजियम, चलिए मैं फोर ऑप्शन ना बोल के सीधे सीधे आंसर बता देते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाता है, बोरिंग भी हो जाता है कई बार आप लोग के लिए। खजाना म्यूजियम कहाँ पे स्थित है, तो खजाना म्यूजियम है हमारा हैदराबाद, तेलंगाना में। ठीक, तेलंगाना भी अगर ऑप्शन में दिया हो, अगर हैदराबाद नहीं दिया है तो आप राइट आंसर होगा तेलंगाना या हैदराबाद लगा सकते हैं। ठीक, और इसको क्या, खजाना म्यूजियम क्या है, एक आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम है। ठीक, 2008 से इसको बंद कर दिया गया है पब्लिक के लिए, क्योंकि ये इसमें मतलब जो वो है इस म्यूजियम में अलग अलग तरीके के कलेक्शंस हैं, जैसे कि रेयर कॉइन्स हैं, और जो उस टाइम पे वो थे कुतुब शाही थे उनके वेपन्स हैं, स्कल्पचर्स हैं, जो चालुक्य वंश था और बहमनी वंश था, इन सब के जो भी आर्ट रिलेटेड जो भी चीज़ें थी वो सारी, मतलब जैसे तीन राजवंशों का मेन यहाँ पे था, ये इतना याद रख लीजिए बस, बहमनी राजवंश, काकती राजवंश और चालुक राजवंश, इनसे रिलेटेड जो भी चीज़ें थी वो इसी म्यूजियम में सुरक्षित है। अगर ऐसे भी क्वेश्चन आता है तो आपको पता होगा। तो राइट आंसर है कहाँ पे है हमारा, हैदराबाद में। ठीक है, और इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट और चीज़ है कि गोलकुंडा जो फोर्ट है वहाँ पे इसको शिफ्ट कर दिया गया है, रिनोवेशन हुआ, इस पे कुछ काम वाम होना होगा, उस वजह से इसको शिफ्ट कर दिया गया है, कहाँ पे, गोलकुंडा फोर्ट में। ठीक है, और ये कहाँ पे मतलब बेस है, कहाँ पे, तेलंगाना हैदराबाद में। नेक्स्ट है, किस कलाकार ने स्लेड स्कूल ऑफ लंदन से पढ़ाई की है। अनीस कपूर, विवान सुंदरम, सुबोध गुप्ता या पीवी जानकी राम। सॉरी, यहाँ पे पीवी जानकी राम है, जान राम हो गया। तो राइट आंसर है यहाँ पे हमारा विवान सुंदरम। विवान सुंदरम ये भी बहुत फेमस आर्टिस्ट रहे हैं, क्योंकि इनका जन्म शिमला में हुआ था, इनके लिए आप लोग को पता होगा, क्योंकि जो फेमस आर्टिस्ट हमारी रही अमृता शेरगिल, उनके भतीजे मतलब थी, विवान सुंदरम की वो मौसी थी। ठीक, इन पे क्या है कि इनका इंटरेस्टिंग फैक्ट एक और सुन लीजिए, कि पंकज बुटालिया नाम है जिन्होंने इनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाई है। डॉक्यूमेंट्री भी इम्पॉर्टेंट है, आर्टिस्ट की डॉक्यूमेंट्री बहुत पूछी जाती है, और डॉक्यूमेंट्री का क्या नाम, इन सर्च ऑफ फाउंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो और बनाई किसने थी, पंकज बुटालिया ने। तो राइट आंसर है यहाँ पे लंदन में रह के किसने पढ़ाई करी स्लेट स्कूल से, विवान सुंदरम ने। जन्म कहाँ पे हुआ था, शिमला में, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, कौन सा भारतीय कलाकार लंदन में रहकर कार्य करता है। अनीस कपूर, विवान सुंदरम, सुबोध गुप्ता या अतुल डोडिया। क्या राइट आंसर है यहाँ पे हमारा, अनीस कपूर। ठीक, ये कहाँ पे, लंदन में रह के काम करते हैं, और इनके तो इनके ऊपर भी कई डॉक्यूमेंट्री भी बनी है, एक तो अंडर द स्किन और एक और है द बीन। ठीक है, ये दोनों डॉक्यूमेंट्री भी इनके ऊपर है। इसके अलावा जो इनके फेमस जो इंस्टॉलेशन स्कल्पचर है उसमें स्काई मिरर है फेमस, सिक्स सीक्रेट प्लेसेस है, विडो है, क्लाउड कॉलम है, और एक बहुत ज़्यादा पूछा जाता है जो क्लाउड गेट, ये भी इन्हीं का है। ठीक है, आर्सेल मिट्टल ऑर्बिट, ये भी बहुत पूछा जाता है, ये सारे इन्हीं के हैं, बहुत सारा काम है इनका। तो ये फेमस हैं, कहाँ रह के काम करते हैं, लंदन में रह के कार्य करते हैं। नेक्स्ट है, ग्रुप 1890 की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो ग्रुप 1890 की स्थापना हुई थी हमारी 1963 में।
ठीक 1963 में हुई थी, और कहाँ किसने करी थी, जे स्वामी नाथन ने। पहले इनकी एग्जीबिशन हुई थी 1963 में, और कहाँ पे हुई थी, ललित कला न्यू दिल्ली में है? और इसके लिए क्या था, इससे पहले 12 आर्टिस्ट जुड़े थे, अभी मैंने पहले भी आपको बताया, जिसमें कि गुलाम मोहम्मद शेख, हिम्मत शाह, जयराम पटेल, राघव कनेरिया, ठीक, एम रेडप्पा नायडू, ये सारे आर्टिस्ट इससे जुड़े हुए थे। नेक्स्ट है, उस कलाकार का नाम बताएं जो निर्मल वर्मा की लघु कथा को चित्रित करने के लिए जाना जाता था। जय झरोटिया, ए रामचंद्रन, के जी सुब्रमण्यम, भावेश सान्या। तो राइट आंसर है यहाँ पे हमारा जय झरोटिया। जय झरोटिया ये क्या, एक इनका जो लुकमान अली, ये भी बहुत फेमस है। इनके ये इम्पोर्टेंट आर्टिस्ट इस समय हैं, क्योंकि इनकी अभी डेथ मार्च में हुई है, 29 मार्च में हुई है, अभी 2021 में ही, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट आर्टिस्ट हैं, तो जिसकी भी अभी हाल फिलहाल डेथ हुई है, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनने की उम्मीद रहती है। तो ये क्या है, जय झरोटिया हैं, और इन्होंने किस पे काम किया, निर्मल वर्मा की जो भी पोल्ट्री वगैरह होती थी उस पर इन्होंने बहुत काम किया है। दूसरा ये कि इन्होंने अलग अलग मीडियम में भी काम किया है, ऐसा नहीं कि एक चीज़ में बंद के, ड्राइंग भी किया है, इचिंग भी की है, लिथोग्राफी, टेराकोटा, ये सारी चीज़ों में इन्होंने काम किया है मिक्स। फिर क्या था, ये किससे प्रभावित थे, ये जॉन मीरो और कॉन्डिस्की, पॉल क्ली, जितने ये आर्टिस्ट थे यूरोपियन, उनसे ये प्रभावित थे। और क्या था, इनके जो मतलब जैसे चित्र होते हैं वो फेमस, क्या जैसे जानवरों को बहुत ज़्यादा महत्व देते थे अपनी पिक्चर में, उससे रिलेटेड करके इन्होंने बहुत ज़्यादा बनाया। 2018 में इन्होंने क्या किया था, कवि और वो जो उपन्यासकार हैं सौमित्र मोहन, उनका वही जो मैंने अभी लुकमान अली बताया, वो किसका था, अगर ये भी पूछता है लुकमान अली तो कौन है, सौमित्र मोहन, उनका उपन्यास था, उसका जो चरित्र था लुकमान अली, उससे प्रेरित होकर इन्होंने 30 एक्रेलिक कार्य बनाए, मतलब 30 जो एक्रेलिक पेंटिंग थी उसको एक साथ कंबाइन करके एक बुक बनाई थी, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर पूछता है तो जो लुकमान अली था उसके इन्होंने 30 एक्रेलिक प्रिंट को एक साथ कंबाइन करके एक बुक बनाई थी। और दूसरी चीज़ क्या है, कब लॉन्च हुई थी, अगर ये पूछता है लुकमान अली, तो लुकमान अली हुई थी 2019 में। और तीसरी चीज़ ये इम्पोर्टेंट कि जो बाल भवन है दिल्ली में, यहाँ पे भी इन्होंने बहुत सारा काम किया हुआ है, क्योंकि ये चीज़ें पूछता है कि किसने कहाँ काम किया, कई बार पूछता है कि संसद भवन में किसने, जैसे अभी बताया था ऊपर की अहिवासी ने काम किया, इस टाइप से पूछता है। तो अगर पूछता है बाल भवन में किसने काम किया, तो किसने किया है, जय झरोटिया ने, और इम्पॉर्टेंट है इस समय क्योंकि इनकी अभी डेथ हुई थी 2021 में, ठीक। नोट डाउन कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट आर्टिस्ट है, आप लोग इसको और भी डिटेल में पढ़ लीजिएगा। 21 नंबर का है, अंबादास खोबरेगेड का जन्म किस स्थान में हुआ था, ठीक। तो इनका जन्म हुआ था अंबादास खोबरेगेड। कुछ अगर मतलब जैसे ये आर्टिस्ट हैं अलग अलग, कई बार ये होता है हाफ नाम भी दिया जाता है, कई बार किसी आर्टिस्ट का पूरा नाम दे देता है या शॉर्ट नाम दे देता है, तो मैंने यहाँ पे इसीलिए इनका पूरा नाम लिख दिया है, लेकिन इनको अंबादास ही लिखा रहता है ज़्यादातर, ठीक। तो ये राइट आंसर है यहाँ पे हमारा महाराष्ट्र, ठीक, महाराष्ट्र के थे ये। और ये किसके क्लासमेट थे, तैयब मेहता के। किस ग्रुप से जुड़े थे, 1890 से। ये दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट रहती है हर आर्टिस्ट में। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध साहित्यकार निर्मल वर्मा निम्नलिखित में से किस कलाकार के भाई हैं। इंपॉर्टेंट है ये चीज कि निर्मल वर्मा जो अभी बताया, जो जय झरोटिया जिनके उस पे काम करते थे, जिनके उस पे क्या बोलते हैं, सॉरी, पोट्री पे, उससे रिलेटेड, तो ये वही निर्मल वर्मा है। निर्मल वर्मा जो है उसमें से पूछा गया किस कलाकार के भाई हैं, ठीक। तो निर्मल वर्मा है यहाँ पे हमारे राम कुमार, जो फेमस आर्टिस्ट हैं हमारे राम कुमार, शिमला से बिलोंग करते हैं, उनके ये भाई हैं। नेक्स्ट है, सती राजू लक्ष्मी नारायण किस विधा के लिए प्रसिद्ध हैं, ठीक है, किस विधा के लिए प्रसिद्ध हैं। तो इनके लिए, ये फेमस आर्टिस्ट हैं, इनके लिए दो तीन चीज़ें इंटरेस्टिंग सुन लीजिए। जो ये सती राजू लक्ष्मी नारायणा है, इनको शॉर्ट में बोलते हैं बापू, ठीक है, ये बापू नाम से फेमस है। ये एज अ मतलब फिल्म डायरेक्टर और एज अ आर्टिस्ट, एज अ कार्टूनिस्ट, मतलब ये हर विधाओं में इन्होंने काम किया, ठीक। पटकथा लेखक जो वही बोलते हैं ना, स्क्रिप्ट राइटर, संगीतकार, संगीत कला से भी जुड़े, मतलब इन्होंने सारी चीज़ों में ही काम करा है, कुछ नहीं छोड़ा है लग रहा है। हिंदी और तेलुगु सिनेमा के लिए भी जाने जाते हैं। 2013 में पद्मश्री, इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं आप नोट डाउन भी कर सकते हैं।
इनके लिए क्या है कि ये मतलब जो हिंदू मैथोलॉजी होती है, हिंदू पौराणिक पात्र होते हैं, उसी पे लेके इन्होंने काम किया है। और ठीक है, फिर एक दो चीज और है कि इन्होंने, इनकी एक बुक भी है अमरावती कठालू और बोम्बालू गियानडी। ये नाम थोड़े टफ हैं क्योंकि ये उधर के ही हैं, आई थिंक साउथ के, तो उस वजह से। इम्पॉर्टेंट चीजें ये हैं बस कि ये एज अ फिल्म निर्देशक, कार्टूनिस्ट, आर्टिस्ट, इन सब में इन्होंने काम किया है। तो यहाँ के इसके आंसर के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा राइट आंसर है हमारा चित्रकार और कार्टूनिस्ट। ठीक, नेक्स्ट है हमारा देव ज्योति राय, इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट है, के चित्रों में किस प्रकार का प्रभाव दिखाई देता है। तो रियलिज्म, क्यूबिज्म या एक्सप्रेसनिस्ट। तो राइट आंसर है यहाँ पे हमारा, ठीक है, तो देवा ज्योति राय, इनके लिए पूछा गया है, तो राइट आंसर है यहाँ पे श्यूडोरियलिज्म। ठीक है, पी साइलेंट है यहाँ पे, श्यूडोरियलिज्म बोलते हैं इसको। ये एक तरीके से होता है, मतलब कृत्रिम यथार्थ बोल सकते हैं उसको, कृत्रिम यथार्थ या झूठ उसके बिहाव पे है, उस टाइप से इसका कुछ मतलब कृत्रिम, मान लीजिए कृत्रिम यथार्थ होता है एक तरीके से। तो इस टाइप की इनकी टेक्निक थी, ये देखिए ऐसे चित्र बनाते हैं। ठीक, इसको बोल सकते हैं आप नाटकी तकनीक, इस टाइप का काम है। प्ले टावर, डॉटर, ये सारे अभी इनके फेमस। इसमें कलर जैसे बहुत ज़्यादा वैसे नहीं है क्लियर, जैसे ऑफ बीट कलर का ज़्यादा यूज़ करके काम किया है। ठीक है, ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। पेंटिंग भी मैंने दिखा दी आपको, तो याद रहेगा इससे। ठीक है, रिकेश टाइप का काम है इनका सारा। ठीक है, ये सारे हैं इन्हीं के वर्क। नेक्स्ट चलते हैं हम, कलाकार बी प्रभा ने अपने कला व्यवसाय की शुरुआत किस एयरलाइंस कंपनी के साथ की थी। ठीक, देखिए कॉमन क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं, मिल जाते हैं आपको, आप बुक से भी पढ़ सकते हो, बट कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कई बार थोड़ा सा घुमा के और पूछ लेता है कई बार, तो उसमें प्रॉब्लम लगती है कि अरे मैंने तो ये क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा, तो ये थोड़ा टफ हो जाता है कई बार। तो ये है हमारा कलाकार बी प्रभा के लिए पूछ लिया इन्होंने कि ये किस मतलब एयरलाइन से इन्होंने स्टार्ट किया था, तो किस कंपनी के साथ। तो राइट आंसर है यहाँ पे हमारा एयर इंडिया। ठीक है, एयर इंडिया का मेन्यू कार्ड इन्होंने डिजाइन किया था स्टार्टिंग में। ठीक, और इनके लिए है इम्पोर्टेंट चीजें ये भी कि इन्होंने ये जो वो ग्रामीण औरतें होती हैं, जो विलेजर्स होते हैं, उनकी वुमेन, उस पर ज़्यादा उनके चित्रण बहुत ज़्यादा करती हैं, उनका जो ग्रेसफुल, और ज़्यादातर सिंगल कलर का यूज़ करके। ठीक, और किससे प्रभावित थी, अमृता शेरगिल से। इम्पॉर्टेंट है अगर पूछता है किससे प्रभावित थी, तो जो अमृता शेरगिल की स्टाइल थी वुमेन की बनाने की, उसको उससे प्रभावित थी बहुत ज़्यादा, उस प्रकार से फिर काम करती थी। और एयर इंडिया का मेन्यू कार्ड इन्होंने डिज़ाइन किया था पहले। ठीक, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है सुहास राय के चित्रों की विशेषता है। ठीक, सुहास राय कैसे चित्र मतलब बनाते थे, चटक रंग का यूज करते थे, ग्रामीण दृश्य बनाते थे, नारी का चेहरा या अति यथार्थवादी अंकन करते थे। तो पहली बात तो ये जो सुहास राय थे, क्या कलकत्ता से बिलोंग करते थे। ठीक, कलकत्ता के हैं, और इनकी क्या है, एक राधा सीरीज है वो बहुत फेमस रही है, राधा सीरीज इनकी बहुत ज़्यादा फेमस रही है। डेथ भी इनकी 2016 में हुई थी। ठीक, इनका क्या है, ये मोस्टली क्या करते थे, वुमेन फेस को, मतलब जो नारी का चेहरा होता है उस पर ही ज़्यादा मतलब काम करते थे, उनका ज़्यादा काम उसी पे रहा है। ये देखिए इनकी राधा सीरीज का है, ज़्यादातर इनके जितने भी आप पेंटिंग देखोगे उसमें सभी में फेमस मतलब फोकस चेहरे को ही लेके काम करते थे, तो चेहरा ही रहता। तो ये इनकी राधा सीरीज थी, फेमस रही है इसके बारे में भी। राइट आंसर यहाँ पे हो गया हमारा सी वाला, नारी का चेहरा। नेक्स्ट है, इस कलाकार का बचपन इंडस वैली सिविलाइजेशन के आसपास व्यतीत हुआ है। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के आसपास व्यतीत हुआ है, यानी राइट आंसर है हमारा यहाँ पे हिम्मत शाह, क्योंकि हिम्मत शाह का जन्म कहाँ पे हुआ था, शाह गलत लिखा है यहाँ पे, हिम्मत शाह का जन्म कहाँ हुआ था, लोथल में। ठीक, 1933 में, और मतलब इनका जो बचपन बीता है वो उसी सिविलाइजेशन के आसपास बीता है। ये एज अ मूर्तिकार, जिसमें इन्होंने टेराकोटा पे बहुत ज़्यादा काम किया। ठीक, टेराकोटा के लिए फेमस रहे हिम्मत शाह।
और 1890 ग्रुप से भी जुड़े थे। नेक्स्ट है शूटिंग इनटू द कॉर्नर सीरीज ऑफ स्काई मिरर्स व्हेन आई एम प्रेग्नेंट इंस्टॉलेशन के कलाकार हैं। ठीक, इंस्टॉलेशन किसका है ये तीनों? तो ये है हमारा, जो अभी पहले भी बताया मैंने इनके बारे में थोड़ा, अनीस कपूर। ठीक, अनीस कपूर हैं। इनकी ज़्यादातर इंस्टॉलेशन सभी मतलब इम्पॉर्टेंट ही हैं सारी चीज़ें। ठीक, तो शूटिंग इनटू द कॉर्नर सीरीज ऑफ स्काई मिरर्स व्हेन आई एम प्रेग्नेंट, ये देखिए व्हेन आई एम प्रेग्नेंट वाला 1992 में बनाया था। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं इनकी। ये देखिए जो नेक्स्ट मैंने और बताया आपको, शूटिंग इनटू कॉर्नर 2009 में बनाया इसको। नेक्स्ट है हमारा चोलमंडल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? चोलमंडल की स्थापना किसने की थी? केसीएस पन्नीकर ने। और स्थापना कब हुई थी? 1966 में। ये क्या था, मतलब पेंटर्स और स्कल्पचर्स लोगों, मतलब जो स्कल्पचर्स होते थे, मूर्तिकार और चित्रकार, इनका एक समूह था। ये एक जगह मतलब बनाया उन्होंने, चोलमंडल गांव की स्थापना की, वहाँ पे सारे ये लोग मिल के एक साथ काम करते थे। ठीक, चोल डायनेस्टी के आधार पर यहाँ इसका नाम क्या पड़ा, चोलमंडल। नेक्स्ट है AHA का पूरा नाम है आर्टिस्ट हैंडीक्राफ्ट एसोसिएशन। ठीक, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं आपका। नेक्स्ट है महाभारत सीरीज किस कलाकार की रचना है? तो महाभारत सीरीज है हमारी एम रेडप्पा नायडू की। ये एम रेडप्पा नायडू किस ग्रुप से जुड़े थे? ग्रुप जरूर आप लोग याद रखिएगा, तो ये जुड़े थे हमारे चोलमंडल से। और एम रेडप्पा नायडू ने केसीएस पन्नीकर और डीपी राय चौधरी, ये दोनों इनके टीचर भी रहे। नेक्स्ट है 2020 कालिदास सम्मान किस कलाकार को मिला है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये अभी डीएसएसबी का जिसने भी एग्जाम दिया है उसको पता होगा कि उसमें ये क्वेश्चन भी आया हुआ था। तो 2020 का कालिदास सम्मान मिला है अंजलि ईला मेनन को। ठीक, नेक्स्ट है राजस्थान का वह कलाकार जिसके चित्रों में चटक रंग संयोजन तथा मिनिमम आर्ट का प्रयोग दिखाई देता है? राइट आंसर है यहाँ पे हमारा सुरेश शर्मा, राजस्थान से बिलोंग करते हैं, और ज़्यादातर इनके मतलब ज्योमेट्रिकल आकारों और अमूर्त, मतलब जो अमूर्त एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म होते हैं उसको लेके काम करते हैं। और ये जो जयपुर का वहाँ का ग्रुप है, आर्ट ग्रुप है उदयपुर का, टकमड़ 28 ग्रुप, आप लोगों ने सुना होगा टकमड़ 28 ग्रुप, उससे जुड़े हुए हैं। ठीक, तो इनके लिए याद रखिएगा, अगर टकमड़ ग्रुप भी इम्पोर्टेंट है, ये भी अभी डीएसएसबी में पूछा गया है ग्रुप, तो उससे जुड़े हुए कौन थे? सुरेश शर्मा। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के एक चित्रकार ग्राफिक कलाकार के रूप में प्रसिद्ध है, तो मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं, ग्राफिक कलाकार भी हैं, तो ये कौन है हमारे? यूसुफ। ठीक, इनको मतलब इन्होंने जो जे स्वामीनाथन है उनके साथ इन्होंने भारत भवन जो भोपाल है वहाँ पे बहुत काम किया, और इनका क्या है, ज़्यादातर ये भी एब्स्ट्रैक्ट आर्ट के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट है दिल्ली में घटित एक अपराध निर्भया कांड पर किस कलाकार ने 2013 में चित्रण किया था? ठीक, तो राइट आंसर है यहाँ पे हमारा अर्पणा कौर। ठीक, अर्पणा कौर ने बनाया था, जो ये घटना घटी थी सभी को पता होगा 2013 में निर्भया कांड, उसके बाद उन्होंने उस घटना से बहुत ज़्यादा दुखी थी और उसके बाद उन्होंने इसका चित्रण किया। नेक्स्ट है 36 नंबर का गिगी इस्केरिया किस स्थान से संबंधित है? राइट आंसर है यहाँ पे हमारा केरल। ठीक, केरल से संबंधित है, ये भी अभी समकालीन कलाकारों में बहुत ज़्यादा इनका नाम आ रहा है। ये एक मतलब कई मीडियम्स में अलग अलग तरीके से, जैसे ब्रॉन्ज का भी, वुड का भी, मिरर ग्लास, ये सारे मटेरियल को यूज़ करके काम करते हैं। इनका क्या है, जैसे वीडियो आर्ट वर्क जैसे होते हैं उस टाइप से काम करते हैं, मतलब बच्चों की जो बुक्स होती हैं उसमें भी इलस्ट्रेशन का बहुत सा काम किया है। इनके भी काम देख लेते हैं, थोड़ा आइडिया लग जाएगा। देखिए इस टाइप का काम है। ठीक है,
बहुत सारे इनके काम हैं इसमें। नेक्स्ट है एस एन पटनायक, चौधरी सत्य नारायण पटनायक, इनका पूरा नाम है एस एन पटनायक का, के मूर्ति शिल्प में है। ठीक है, कौन सा इनका मूर्ति शिल्प पूछा है? बटरफ्लाई, लोटस, वूमेन और फ्लाइट। ठीक, तो यहाँ पे इनका राइट आंसर है, यहाँ पे हमारा बटरफ्लाई। और कहाँ से ये बिलोंग करते हैं? आंध्र प्रदेश के। ठीक, रूरल मतलब इनका जो फेमस थीम है वो वही ग्रामीण दृश्य, जो रूरल पीपल होते हैं उनसे रिलेटेड करके। और किस चीज के लिए ज्यादातर ये ब्रॉन्ज स्कल्पचर बनाते हैं उसके लिए फेमस रहे हैं। नेक्स्ट है अनुपस्थिति के रंग नामक फिल्म किस कलाकार के ऊपर बनाई गई थी? तो अनुपस्थिति के रंग ये बनी है किस पे? जहांगीर सबाबाला पे। ठीक, और ये कब बनी? 1994 में। कलर ऑफ अब्सेंस इंग्लिश में इसको बोलते हैं, जैसे अगर आ जाता है कलर ऑफ अब्सेंस, इसमें 94 में बनी और इस पे क्या नेशनल अवार्ड भी मिला था। तो इनके ऊपर एक और दूसरी मूवी भी है द इनहेरिटेंट ऑफ लाइट, अगर ये भी पूछता है 2010 में। ठीक, ये भी अगर पूछता है तो ये किसकी है? ये भी जहांगीर सबाबाला की। क्या नाम है? द इनहेरिटेंट ऑफ लाइट। और एक ये कौन सी है अनुपस्थिति के रंग हिंदी में, और अगर इंग्लिश में आ जाता है तो कलर ऑफ अब्सेंस। और ये कब बनी थी? 1994 में। किससे रिलेटेड है? जहांगीर सबाबाला से। ठीक, नेक्स्ट है हर सिल्वर थ्रोन नामक रचना किस कलाकार की है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पहले आया हुआ है। हर सिल्वर थ्रोन ये है हमारी जोगेन चौधरी से रिलेटेड। और इनके लिए क्या मतलब ये फेमस किस चीज के लिए है? क्योंकि ये ज्यादातर इंक में काम करते हैं ना, इनका इंक वाला काम रहता है, इंक पेस्टल इस टाइप से ही, कलर का यूज नहीं करते हैं ज्यादातर। ठीक, तो जोगेन चौधरी इसके लिए फेमस है। और इनके लिए एक चीज और है, जोगेन चौधरी ने भारतीय मोनालिसा भी बनाई है। ठीक, मोनालिसा की भी इन्होंने एक पेंटिंग बनाई है, अभी दिखाते हैं आपको। ये देखिए हर सिल्वर थ्रोन, ठीक है, ये वाली इनकी है। इनका काम कैसा रहता है? इंक का यूज करके ज्यादातर काम करते हैं, पेस्टल और इनका। ठीक है, और ये देखिए मोनालिसा वाली, अगर कई बार इसके बारे में भी पूछता है तो ये किसकी है? जोगेन चौधरी की इन्होंने बनाई है। ठीक है, तो कई बार ये भी पूछता है जैसे कि इन्होंने क्या बंगला में बहुत सारी कविताएं भी लिखी हैं, तो कई बार अगर ये पूछता है कि बंगला भाषा में किस कवि ने कविताएं लिखी, वैसे बहुत से कवि हैं पर सॉरी आर्टिस्ट हैं, पर इसमें अगर देखें तो जोगेन चौधरी ने भी क्या किया है? बंगला में कविताएं की हैं। और क्या इनका प्रिय मतलब मीडियम क्या रहा है जिसपे ज्यादा काम करते? ज्यादातर काली मतलब ब्लैक और कलरफुल जो इंक होती है उसको ले, और पेस्टल, इनको लेके काम करते, कलर का यूज नहीं करते ज्यादा। नेक्स्ट है 39 हो गया, 40 नंबर का क्वेश्चन है कश्मीर का वह कलाकार जो एक चित्रकार के साथ साथ उर्दू और कश्मीरी भाषा में उपन्यास, नाटक तथा पद्य रचनाएं भी करता था। ठीक है, टाइपिंग करने में थोड़ा बहुत मुझसे कहीं हो गया है, यहाँ पद्य है शायद, पद्य ऐसे नहीं लिखा जाता, पद्य रचनाएं भी करता था। ठीक, तो राइट आंसर है यहाँ पे हमारा जी आर संतोष। जी आर संतोष कहाँ से थे? श्रीनगर से बिलोंग करते। ये क्या है? एक तांत्रिक आर्टिस्ट। ठीक है, तांत्रिक आर्टिस्ट में इनका नाम लिया जाता है। और इनके जो बुक भी मतलब जो सब्जेक्ट भी होते हैं वो ज्यादातर क्या मतलब जो वहाँ का कश्मीर का जहाँ का जन्म हुआ था वहाँ के जो शैव लोग हैं उस पे आधारित जो विषय होते थे उन्हीं को चुन के ये काम करते थे। और कैसे आर्टिस्ट हैं ये? नियुक्त मतलब तांत्रिक आर्टिस्ट बोले जाते हैं। नेक्स्ट है 41 नंबर का, के जी सुब्रमण्यम का चित्र मशरूम ग्रोथ किस माध्यम में है? के जी सुब्रमण्यम के लिए पूछा, कहाँ के हैं ये? केरल से बिलोंग करते हैं। ठीक, इनकी जो बुक है फेमस द लिविंग ट्रेडिशन, बहुत बार पूछा गया है, मूविंग फोकस। और ये क्या है? ये अलग अलग मीडियम में ये भी काम करते हैं, जैसे इन्होंने कई जैसे मिट्टी के कई बार पूछा जाता है खिलौने, तो खिलौने बनाने के लिए भी इन्होंने बहुत मतलब खिलौने भी इन्होंने बहुत सारे बनाए हैं, टेरा कोटा, फाइबर कास्ट, ये सारे इनके फेमस मीडियम रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे पूछा है, लेकिन मशरूम ग्रोथ पेंटिंग का विषय क्या था? वो था हमारा यहाँ पे जल रंग। ठीक है, नेक्स्ट है बैंड वाला श्रृंखला, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बैंड वाला श्रृंखला ये भी पहले आ चुका है, किस कलाकार की है? तो बैंड वाला है हमारी इंपॉर्टेंट कृष्ण खन्ना की। ठीक, जिन्होंने मेरे पहले वीडियो देखे हैं उस पर भी मैंने कृष्ण खन्ना के बारे में जो फेमस चीजें थी जैसे म्यूरल बनाया था उन्होंने मौर्य पैलेस दिल्ली में, ये सारी चीजें मैंने
वाले वीडियो में भी आपको बताई थी। तो यहाँ इम्पोर्टेंट क्या है, कृष्ण खन्ना इन्होंने बनाई है, बैंड वाला सीरीज इनकी है। ठीक, ये पहले मतलब पहले ये आर्टिस्ट नहीं थे, ये इन्होंने बैंक में नौकरी करी थी 1961 के बाद। इन्होंने वहाँ नौकरी छोड़ी बैंक की, और उसके बाद फिर इन्होंने कई समय तक फोटोग्राफी की, कुछ फिगरेटिव वर्क किए, फिर धीरे धीरे मतलब अलग अलग तरीके से फिर काम किया। ठीक, इनकी कई सीरीज फेमस हैं, जिसमें एक ट्रक वाला सीरीज भी है और ये बैंड वाला, तो इनके कई काम हैं इसमें। नेक्स्ट है, गोगी सरोज पाल का प्रिय माध्यम क्या है? तो गोगी सरोज पाल का प्रिय माध्यम है हमारा ग्वास। और ये क्या, ये ज्यादातर गोगी सरोज पाल के आपने अगर देखे होंगे तो ये ज्यादातर इमेजिनेशन यानी मतलब काल्पनिक, उस पे काल्पनिकता को ज्यादा महत्व देती। ठीक, वेद नायर जो स्कल्प्टर है वो इनके पति थे। ठीक, ये चार चीजें इंपॉर्टेंट है। जो जो नेक्स्ट है, न्यूयॉर्क में एयरपोर्ट के वीआईपी लाउंज का म्यूरल बनाया है। तो राइट आंसर है यहाँ पे किसने बनाया है, राइट आंसर है यहाँ पे शक्ति बर्मन। शक्ति बर्मन किस ग्रुप से जुड़े थे? ये जुड़े थे बड़ौदा ग्रुप से, मतलब जो उसके संस्थापक सदस्य थे उस ग्रुप में ये भी थे। और मतलब जब इन्होंने ये वाला म्यूरल बनाया था वीआईपी लाउंज में न्यूयॉर्क में, तो उनको मतलब एक तरीके से अपने जो जिस ग्रामीण परिवेश में ये थे बचपन से, उसी मतलब उसको याद करते हुए, उसकी मेमोरी इनके उसमें थी उस टाइप से, तब इन्होंने इस म्यूरल को बना। ठीक है, और कहाँ से अगर पूछते हैं तो कलकत्ता से। नेक्स्ट है, 45 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार अपनी कृतियों में समलैंगिकता को महत्व देता था? ये भी इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट है, भूपेन खक्कर। ठीक, समलैंगिकता पे लेके कौन काम करता है? भूपेन खक्कर। और कहाँ से थे ये? 1934 में इनका जन्म हुआ था। और कहाँ से थे? मुंबई से। इनके लिए इंपॉर्टेंट चीजें हैं कुछ कि ये पहले तो मतलब पहले ये आर्टिस्ट नहीं थे, ये क्या थे, इकोनॉमिक और कॉमर्स की इन्होंने पढ़ाई करी, और फिर उसके बाद ये मतलब इन्होंने किसकी, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट की नौकरी करी, उसके बाद इन्होंने नौकरी छोड़ी 1961 में, और उसके बाद ये कला की तरफ पूरी तरह इनका रुझान हो गया, और उसमें फिर पेंटिंग बनाने लगे। इनको कालिदास सम्मान भी मिला। इनके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, ये पॉप आर्टिस्ट मतलब पॉप कला से प्रेरित होके चित्र बनाते। और इनके चित्रों पे किसका प्रभाव देखा जाता है, ये क्वेश्चन बहुत आता है, तो किसका है? इनके डेविड हॉकनी, डेविड हॉकनी के चित्रों से इनकी तुलना की जाती है। तो राइट आंसर क्या हो गया यहाँ पे? भूपेन खक्कर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार लैंडस्केप चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है हमारे दिल्ली में रहते हैं परमजीत सिंह। ठीक, अमृतसर में इनका जन्म हुआ था, परमजीत सिंह। और ये क्या है, इनका मतलब लैंडस्केप बहुत ज्यादा फेमस है, लैंडस्केप पे और जितने भी एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में बनाते हैं। और वाइफ कौन है परमजीत सिंह की, अगर पूछते हैं? अर्पिता सिंह वाइफ है। और बेटी कौन थी इनकी? अंजुम सिंह, अंजुम सिंह जिनका अभी डेथ हो गया था। नेक्स्ट है, और इनकी एक चीज और है इम्पोर्टेंट, जैसे इनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनी है, द सेवेंथ वॉक। ठीक, अब बनाई किसने है? अमित दत्ता ने। नेक्स्ट है, प्रफुल्ल मोहंती किस विधा के लिए प्रसिद्ध हैं? तो प्रफुल्ल मोहंती हैं हमारे, पहली बात तो ये है कहाँ से, ये उड़ीसा से बिलोंग करते हैं। ठीक, और ये इनकी जो फेमस है, इन्होंने जो बुक लिखी है वो है माई विलेज माई लाइफ, माई विलेज माई लाइफ इनकी फेमस बुक है। और भी बुक्स लिखी हैं इन्होंने बहुत सारी, ये एज अ मतलब राइटर, एज अ आर्टिस्ट और आर्किटेक्चर, तीनों में इन्होंने काम किया, यानी इसमें हो गया डी वाला ऊपर के सभी। ठीक, इनकी बुक्स बहुत ज़्यादा फेमस हैं, कई बुक्स हैं, इंडियन विलेज, ये तो मैंने बता दी, माई विलेज देखिए मैंने नेक्स्ट वाला इसका यही बना रखा है, माई विलेज माई लाइफ नामक पुस्तक किसकी है? तो ये है हमारी प्रफुल्ल मोहंती की। ठीक है, और भी बुक्स लिखी हैं। और कहाँ रहते हैं ये? लंदन में रहते हैं, ये ध्यान रखिएगा, कई बार ये पूछते हैं, तो ये लंदन में रहते हैं। थ्रो ब्राउन आईज ये भी इनकी एक बुक है, इंडिया इंडियन विलेज टेल्स ये भी इनकी एक बुक है। ठीक, ये सारी बुक्स हैं इनकी इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट है, कलाकार जिसने केरल के एक मंदिर का डिजाइन भी बनाया है। तो केरल के मंदिर का डिजाइन बनाया है हमारे कन्हाई कुन्ही रमण ने। ठीक है, कन्हाई कुन्ही रमण ने बनाया हुआ है। और ये क्या है, एज अ स्कल्प्टर है मतलब मूर्तिकार के रूप में फेमस है। कहाँ से है? तमिलनाडु। और इनका एक यक्षी, यक्षी नाम से इनका एक फेमस वो है,
स्कल्पचर है वो कहाँ पे है, वो तमिलनाडु में ही एक कोई गार्डन है मालाम पूजा धाम करके, वहां पे इनका ये रखा हुआ है। कई बार ये पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन कि ये स्कल्पचर है तो कहाँ पे रखा हुआ है। ये देखिए ये वहां पे रखा हुआ है, इसी का नाम है यक्षी और किसका है, कन्हाई कुन्ही रमण का। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये सारी चीजें। लास्ट है हमारा 50 नंबर का, गंगा नदी पर किस कलाकार ने 3 घंटे की फिल्म बनाई है। ठीक है, तो गंगा नदी पे बनाई है हमारी बी विश्वनाथन ने। ठीक, बी विश्वनाथन ने बनाई है, इन्होंने और भी कई फिल्मों को डायरेक्ट किया है और ये पेरिस में रहते हैं इसलिए इनको क्या कहा जाता है, कई बार ये भी पूछ सकते हैं, तो इनको कहा जाता है पेरिस विश्वनाथन, इस नाम से भी इनको जाना जाता है क्योंकि ये पेरिस में रहते हैं। चोलमंडल ग्रुप के फाउंडर मेंबर थे, मतलब चोलमंडल ग्रुप से जुड़े हुए थे और इन्होंने एज अ पेंटर, स्कल्प्टर और फिल्म मेकर तीनों में इन्होंने काम किया है। इंपॉर्टेंट है ये भी, बी विश्वनाथन। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के 50 क्वेश्चंस। आई होप आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन इसलिए रखते हैं क्योंकि सिंपल सिंपल क्वेश्चन मिल जाते हैं, हम बुक से उसकी तैयारी भी कर रहे हैं। एक थोड़ा सा ये रहता है कि अगर हम और ज़्यादा डिटेल में और क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा देखते रहें तो आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। ऑलरेडी आप लोग तैयारी कर रहे हैं सभी बच्चे, और आई होप आपको ये पसंद आया होगा वीडियो। आप कमेंट्स करके मुझे बताइएगा अगर कोई भी कंफ्यूजन है, मैं और भी और अच्छे अच्छे क्वेश्चन और टॉपिक पे अलग अलग लेके आऊँगी। आप मुझे बता सकते हैं कि आप और किस टाइप के क्वेश्चंस या किस टाइप के टॉपिक पे क्वेश्चन चाहते हैं। ठीक है, तो अब अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इसके बाद मैं आपको अब स्कल्पचर और जो इंडियन आर्किटेक्चर है उससे भी कई टफ क्वेश्चन कई बार आ जाता है, तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊँगी। ठीक है, अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो।